भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। अभी फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ काम किया है, वो तो उसको मैंने कुछ नाइट और डे को लेके काम किया है। उस तरह के कुछ फॉर्म्स थे जो मैंने चांदनी रात को दिखाया है यहाँ की, और जो बहुत खुले आसमान देख सकते हैं हम, रात को तारे देखते हैं, दिन को भी मैंने इसी तरह दिखाया है। तो एक ही पेंटिंग मैंने उसको दो तरीके से दिखाया और एक मिनिमल फॉर्म के साथ दिखाया है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के साथ, ताकि वो बोलने के बाद ही उसको ऐसा एहसास होगा, पर फील बहुत कूल फील होगा उसको देखने के बाद। बहुत सॉफ्टनेस के साथ उसको मैंने इस एहसास को मैंने दिखाया है। और ये तो पर्सनल अनुभव होता है, तो अपने रंगों के साथ हम उसको एक प्रेजेंट करते हैं कैनवास पे, और उसी के साथ अपने अपने जैसे मिनिमल तरीके से या कोई बहुत ज़्यादा कुछ काम करके, पर वो उस तरीके से हम कैनवास पे रखते हैं। तो यही है कि हम जैसे देखते हैं उसको, देखने के बाद फिर वो हमारे अंदर टहलती है वो चीज़ें, फिर उसके बाद हम अपने कैनवास पे लाते हैं। तो बड़ा अच्छे ढंग से मैं पता नहीं कैसे आया है, पर मैं उसको देख के बड़ा सुकून फील कर रहा हूँ कि काफ़ी हद तक मैंने ठीक काम किया है। और यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरह की मैंने सुना था वैसा ही अनुभव भी हुआ है। और जैसे रहते रहते काफ़ी ऐसा लगने लगा कि हम यहीं के ही लोग हैं और उसी तरह ढल गए हैं। अभी दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी हो गई है और मन कर रहा है कभी एक दो बार कभी फिर से आएँ तो उस पल को फिर से दोहराने का मौका मिलेगा। ऐसे तो हम हर जगह जाते तो हर जगह की याद को वापस दोहराते हैं, पर फील करना और एक अनुभव वो हमेशा रहता है। तो यहाँ का अनुभव मुझे लगता है कुछ खास था, और आगे हर वक्त इस खास बात को हम लोगों को भी शेयर करेंगे, यहाँ की चीज़ को और यहाँ के अनुभव, यहाँ के आर्टिस्टों के बारे में और यहाँ की एक अलग अलग जगह के बारे में। और ये एक अलग ही था अनुभव, को बोल नहीं सकता पर फील कर रहा हूँ, बड़ा आनंददायी था। और थैंक यू अरविल को और आरबी जी को और बाकी सारी टीम को कि बहुत ही अच्छे से हमको यहाँ पे वेलकम किया और इतना अच्छे तरीके से हम यहाँ अपने घर जैसे रह रहे हैं। है तो नहीं, पर फिर भी हमको एहसास हो रहा है कि हम यहाँ के हो गए हैं। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।